तो आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के नोट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की रिलेशन आपके पास क्या था एलेवंथ क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन और रिलेशन पढ़ने से पहले हमने इसका किया था कार्टीजियन प्रोडक्ट तो काटीजियन प्रोडक्ट आपके पास क्या था जिसमें हम क्या कहते थे कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स

सेकेंड सेट सो दैट्स वाई वी हैव टू से इट इज़ ए ऑर्डर पेयर राइट जैसे हम कहें कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल लें कि ए और बी अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं ए में वन और टू एलिमेंट्स हैं बी में एक्स वाई जेड हैं और हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए का मतलब क्या हुआ सबसे पहले वन टू तो पहले वन टू आएगा और फिर एक्स वाई जेड आएंगे तो वन का एक्स के साथ वन वाई टू एक्स टू वाई वन जेड Two set means first element always belongs to first set and second element belongs to second set. That is called A cross B. अगर हमें B cross A निकालना है, तो इसका मतलब पहले B का element आएगा और फिर element किसका आएगा? A का. तो that is B cross A. Right? उसके बाद हमने क्या था relation रिलेशन में हमने क्या कहा था कि अगर हमें रिलेशन निकालना है फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी तो उसमें हम क्या करते थे कि अगर ए और बी कोई भी दो नॉन एम सेट्स हैं तो आर इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एफ आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्यों क्योंकि कार्टीजियन प्रोडक्ट में हमारे पास सारे एलिमेंट्स आते थे लेकिन रिलेशन में सिर्फ वो आएंगे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्वेश्चन किया था आर इक्वल टू ए बी सच देट ए इज लेस देन बी तो यहाँ रिलेशन में कार्टीजियन प्रोडक्ट में से सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तभी हम क्या कहते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट राइट तो यहाँ पर अब इसके कुछ रिजल्ट्स कुछ आते हैं जो वन मार्क में भी बहुत बार बोर्ड में पूछे जाते हैं कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज़ क्यू तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी इज़ पी इन टू क्यू ये तो होता है हमारे पास अब वो आपसे अगर वो नंबर ऑफ रिलेशंस पूछता है नंबर ऑफ रिलेशंस आर नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ रिलेशंस मींस नंबर ऑफ सबसेट्स तो अगर वो पूछता है तो दैट इज टू रेस टू पावर पी इंटू क्यू पी इंटू क्यू इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ रिलेशन मीन्स टू रेस टू पावर पी इंटू क्यू तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के क्या होंगे पी इंटू क्यू और नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज टू रेस टू पावर पी इंटू क्यू राइट अगला आता है रिलेशन ऑन सेट ए अगर ए का एक है ए के साथ ही अगर हमारे पास रिलेशन है तो दैट मीन्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए राइट उसमें ए का बी के साथ था इसमें ए का ए के साथ है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे ए क्रॉस ए के उसमें पी क्यू था इसमें हो गया पी स्क्वायर पी इंटू पी और नंबर ऑफ रिलेशन मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे टू रेस टू पावर पी स्क्वायर क्योंकि आपके पास वहाँ क्या था टू रेज टू पावर पी इन टू क्यू और यहाँ आ जाएगा टू रेज टू पावर पी स्क्वायर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने सबसे पहले जो किया वो किया था हमारे पास क्या है एम्प्टी रिलेशन जिसे हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं ये क्या होता है अ रिलेशन ऑन सेट इज कॉल्ड एम्प्टी और वाइड रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए इसका मतलब कि अगर हम रिलेशन निकालें तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए कि अगर मैं एक सेट ए ले लूं जिसमें वन और टू दो एलिमेंट्स हैं और अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूं तो उसमें चार एलिमेंट्स आएंगे वन 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 टू टू वन एंड टू टू राइट तो अब वो आपके पास एक रिलेशन कहता है आर दैट इज़ ए बी such that a प्लस बी इज सिक्स मान लो आपके पास ये कहता है अब इसमें देखो रिलेशन में क्या आएगा दो एलिमेंट्स को ऐड करो तो सिक्स आना चाहिए वन प्लस वन टू वन प्लस टू थ्री टू प्लस वन थ्री टू प्लस टू फोर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है फाइव तो जब आर फाइव के इक्वल आ जाए तो वो कैसा होगा एम्प्टी रिलेशन राइट सेकेंड आपके पास आता है यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि आर जो आपके पास है वो किसके इक्वल आना चाहिए ए क्रॉस ए के अगर आर ए क्रॉस ए के इक्वल आता है तो वो कैसा है यूनिवर्सल रिलेशन अगर इसी में मैं देखूं कि ए ये है ए क्रॉस ए ये है लेकिन मैं यहाँ पर आर चेंज कर दूँ वो मैं क्या कर दूँ ए कौमा बी सच दैट अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपके पास ए प्लस बी कितना आना चाहिए लेस देन फाइव अगर मैं ये कंडीशन कर दूँ तो देखो वन प्लस वन टू वन प्लस टू थ्री टू प्लस वन थ्री टू प्लस टू फोर सारे कैसे हैं लेस देन फाइव तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस ए तो रिलेशन अगर ए क्रॉस ए के इक्वल आएगा तो वो कैसा होगा यूनिवर्सल रिलेशन तीसरा आता है आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है जिसमें आपके पास क्या हो सेम एलिमेंट्स आए दैट मीन्स ही सेड दैट आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली दैट इज़ आर इक्वल टू ए वेर ए बिलोंग्स टू एर तो इसे हम डिनोट करते हैं आई ए से जैसे इसमें अगर मैं कहूँ कि वही सेट ले लें लेकिन रिलेशन में हम क्या ले लें ए b, बी सच दैट ए माइनस बी इज ज़ीरो राइट तो अगर हम ए माइनस बी ज़ीरो ले लें तो देखो आपके पास कहाँ कहाँ कौन कौन सा आएगा एक आएगा वन वन और एक आएगा टू टू वन टू और टू वन नहीं आएगा क्योंकि दो नंबर्स का डिफरेंस ज़ीरो कब होगा जब इसमें सेम एलिमेंट्स होंगे वन वन या टू टू तो ये आपके पास कैसा होगा आइडेंटिटी रिलेशन राइट इसके बाद हमने तीन रिलेशन ऑलरेडी क्वेश्चंस में किए हैं जो इक्वलेंस रिलेशन में हम नहीं करते हैं री सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि अपनी ही इमेज दिखती है मींस अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो ए अगर मैं सामने खड़ी हूँ तो मेरी ही इमेज सामने दिखेगी रिफ्लेक्शन दिखेगी दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए आर ए कि इसका मतलब कि अगर ए ए बिलोंग करता है आर से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव बट एम्प्टी रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव राइट ये कई बार वन मार्क में या फिलिप्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास क्या था जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी ए भी आर से बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन कैसा है सिमेट्रिक रिलेशन इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी आल्सो बिलोंग्स टू आर देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इसमें हम क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन तो सिमेट्रिक है ही है साथ साथ एम्प्टी रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन होता है राइट right? तो नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास क्या है जिसमें दो कंडीशंस गिवन होती हैं कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी आर से बिलोंग कर रहा है हम दो कंडीशंस लेकर चलते हैं ए बी और अगले में क्या लेंगे बी और सी एक हम खुद अपने आप से लेते हैं तो दो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हम लेकर चलते हैं और अगर ए और सी भी बिलोंग करेगा आर से तो वो रिलेशन कैसा होगा ट्रांज़िटिव रिलेशन कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग करता है और ए सी भी बिलोंग करेगा तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांज़िटिव रिलेशन अब इसमें हम क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन तो आपके पास होते ही होते हैं दैट दैट इज़ ट्रांज़िटिव रिलेशंस बट एम्प्टी रिलेशन इज़ आल्सो ट्रांजिटिव राइट तो इक्वलेंस रिलेशन क्या था इक्वलेंस रिलेशन इज दैट रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो उसे हम क्या कहते हैं इक्ुलेंस रिलेशन बोर्ड में सिक्स मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है शो दैट द गिवन रिलेशन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन और नॉट तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं कि वो रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है अगर वो तीनों सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन ये तो वो इक्वलेंस रिलेशन है अदरवाइज दिस इज़ नॉट इन इक्वलेंस रिलेशन लास्ट दो तीन सालों से सिक्स मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन उसके बाद आपके पास आता है उसी में वन मार्क का इंक्लूड किया जाता है क्या इक्वलेंस क्लास इक्न्स क्लास के लिए हम क्या करते हैं जिस एलिमेंट की इक्वलेंस क्लास निकालनी हो ना एक एलिमेंट तो वो ले लो और दूसरा एलिमेंट कोई भी सेट में से ले लो तो अगर हमें इक्वलेंस क्लास ए की निकालनी है लेट ए बिलोंग्स टू ए देवलेंस क्लास इज डिफाइंड एज बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज रिलेटेड टू ए तो अगर बी ए बिलोंग करेगा आर से तो हम इक्वलेंस क्लास निकाल सकते हैं उसके राइट right? अब इसमें हम क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन आर इक्वलेंस रिलेशंस बट एम टी रिलेशन इज नॉट एन इक्वलेंस रिलेशन तो ये आपके पास फिर से फिलअप्स आ सकते हैं नेक्स्ट आता है इनवर्स रिलेशन मान लो कि आर आपके पास कोई भी एक रिलेशन है जो आपके पास ए बी बिल सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर बी आर रिलेशन ऑन ए देन आ रिलेशन बी ए वे आर ए बी बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड एन इनवर्स ऑफ आर अगर ए बी है और बी ए अगर हमारे पास आ रहा है तो बी ए को हम क्या बोलते हैं आर इनवर्स तो अगर आर ए बी वियर ए बी बिलोंग्स टू ए है तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा बी ए वियर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू आर देन इट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन तो ये तो था हमारे पास रिलेशन अब हम बात करते हैं फंक्शन की फंक्शन में अगर हम देखें तो फंक्शन में हमने क्या किया था फंक्शन में हमने क्या कहा था कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी Where a and b are any two non empty sets, then a function f from a to b, which associates each element of a to exactly one element of b. If f is a function from set a to set b, then it is denoted by this. But in simple words, we have to say that function is a relation in which x coordinate can't be repeated. हमने रिलेशन में क्या कहा था वन 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 टू टू वन टू टू वहाँ वन रिपीट हो रहा था एक्स कोऑर्डिनेट लेकिन फंक्शन एक रिलेशन है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होता अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमने कार्टीजियन प्रोडक्ट किया फिर हमने रिलेशन किया और वो रिलेशन सबसेट था कार्टीजियन प्रोडक्ट का अब हमने फंक्शन किया फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन एंड रिलेशन इज़ अबसेट ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट तो सबसे बड़ा क्या है कार्टीजियन प्रोडक्ट उसके बाद क्या आया रिलेशन अब क्या आया फंक्शन जिसमें एक्स कॉर्डिनेट रिपीट नहीं होता एफ फ्रॉम ए टू बी भी एनी फंक्शन मान लो ये कोई फंक्शन है तो जिसमें सेट ए को हम क्या बोलते हैं डोमेन जहाँ से हम एक्स कॉर्डिनेट लेते हैं बी को हम क्या बोलते हैं कोडोमेन जहाँ से हम वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं और उस वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं रेंज ए इज कॉल्ड डोमेन सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर एफ इज कॉल्ड द रेंज और इसे हम इमेज सेट ऑफ ए अंडर एफ भी कहते हैं राइट right? अब इसमें कुछ इसके रिजल्ट्स आते हैं कि रेंज एफ सेट ऑफ

फंक्शंस निकालने हैं तो नंबर ऑफ़ फंक्शंस निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वी मैप ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए अगर हम एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ले लें सेट ए का तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग के लिए कितनी आ जाएंगी चॉइसेस क्यू सेकेंड एलिमेंट के लिए भी कितनी आएंगी Q इसी तरह से लास्ट में आपके पास पी एथ एलिमेंट है क्योंकि P एलि P नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं A में तो उसमें भी कितनी आ जाएंगी Q तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस निकालें फॉर सेट A तो आपके पास Q को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी टाइम्स P टाइम्स तो दैट इज़ Q रेस टू पावर P तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B

टू दी नंबर ऑफ पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए राइट उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो हमने किया इक्वल फंक्शन इक्वल फंक्शन क्या होता है वो जो फंक्शन दो फंक्शंस हैं अगर वो बिल्कुल इक्वल होंगे तो वो इक्वल हैं दैट मींस एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स तो एफ इक्वल टू जी अनईक्वल फंक्शंस अगर उसमें कुछ भी डिफरेंट है थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट आ जाता है वो कैसे हैं अन एकक्वल फंक्शन अब हमने क्वेश्चन में किया है वन वन और ऑन टू फंक्शन अब हम उस पर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वन फंक्शन जैसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं वन मार्क में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है शो दैट द फंक्शन इज वन वन और नॉट तो उसके लिए हम क्या कहते हैं अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉट वन टू वन इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी मीन्स अगर एफ़ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल लेकर चलते हैं और एलिमेंट्स भी इक्वल आते हैं तो फंक्शन वन टू वन है या हम एलिमेंट्स इक्वल लेकर चले और फंक्शन इक्वल आए तो वो वन टू वन है नेक्स्ट मे बी कि अगर हम एलिमेंट्स इक्वल ना लेकर चले और फंक्शंस भी इक्वल ना आए तो भी वो फंक्शन कैसा है वन टू वन अगर हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल हैं लेकिन फंक्शन इक्वल नहीं है तो वो वन टू वन नहीं होगा दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें पहला अगर फंक्शन टेबुलर फॉर्म में है तो हम एरो डायग्राम से ड्रॉ करके बता सकते हैं कि पहले सेट के एलिमेंट की का रिलेशन की इमेज दूसरे सेट के डिफरेंट एलिमेंट के साथ बने तो वो वन टू वन है राइट right? और दूसरी चीज अगर हमें फंक्शन एक्स की फॉर्म में दिया है लाइक एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री तो उस केस में हम इस डेफिनेशन से उसे प्रूव करते हैं कि हम फंक्शंस दो इक्वल लेकर चलते हैं और अगर एलिमेंट्स भी इक्वल आते हैं तो फंक्शन वन टू वन है राइट right? इसमें अब रिमार्क्स में इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं इससे रिलेटेड कि अगर एफ कोई भी फंक्शन है राइट फ्रॉम ए टू बी बट इट इज नॉट वन टू वन देन इट इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन अगर वो फंक्शन वन टू वन नहीं है तो वो कैसा होगा मैनी टू वन फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन टू वन अब ये वन टू वन कब होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी वन मार्क में पूछा जा सकता है क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास फिर वही मैपिंग की बात आती है कि अगर हमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस निकालने हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज क्यू है तो हम क्या कहते हैं इफ पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू द नंबर ऑफ चॉइसिस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए आपके पास क्या है क्यू सेकेंड एलिमेंट के लिए जब हम निकालेंगे तो क्यू माइनस वन हो जाएगा क्योंकि वन का वन के साथ रिलेशन है तो एक एलिमेंट का रिलेशन आ चुका तो एक एलिमेंट कम हो गया इसी तरह से थर्ड का करोगे तो क्यू माइनस टू हो जाएगा और इसी तरह से अगर पी एथ एलिमेंट का करोगे तो क्यू माइनस पी माइनस वन एथ हो जाएगा देखो सेकेंड है तो वन माइनस हो रहा है पी है तो पी माइनस वन माइनस होगा राइट तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या आ जाएंगी व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑल तो क्यू इंटू क्यू माइनस वन एंड सोन अप टू क्यू ऑफ पी माइनस क्यू माइनस ऑफ पी माइनस वन तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल के फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें देन वी कैन राइट इट एज क्यू फैक्टोरियल अपॉन क्यू माइनस पी फैक्टोरियल तो यहाँ से हमारे पास फिर से रिजल्ट आया कि नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी अगेन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इफ पी इज लेस देन क्यू देन इट इज जीरो अगर पी लेस देन इक्वल टू क्यू होगा देन इट कैन बी रिटर्न एज क्यू पी पी दैट मीन्स दैट क्यू इज ये पी क्या है परमुटेशन का राइट right? और ये Q और ये पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट ए और बी के जिसे हमने क्या लिखा था Q फैक्टोरियल अपॉन Q माइनस पी फैक्टोरियल तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट नेक्स्ट आपके पास आता है लेट ए बी एनी फाइनाइट सेट हैविंग पी एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू ए इज पी फैक्टोरियल ये फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ वन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू ए क्या होगा पी फैक्टोरियल राइट नेक्स्ट आता है ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन की बात करें तो ऑन टू फंक्शन जैसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं तो ये फंक्शन क्या है इज फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए

किफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ नॉट ऑन टू अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये इन टू फंक्शन होगा जैसे उसमें था कि अगर वो वन टू वन नहीं है तो मेनी टू वन है वैसे ही अगर फंक्शन नॉट ऑन टू है तो वो इन टू फंक्शन होगा एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू देन एन ऑफ ए इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एन ऑफ बी वन टू वन में लेस देन इक्वल था और ऑन टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी फिर नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस की बात आती है कि अगर नंबर ऑफ़ पी और क्यू एलिमेंट्स हैं आपके पास ए और बी सेट में तो हम फिर से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस अगर निकालना चाहें तो नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या आता है कि अगर पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है देन दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड दैट और अगर पी लेस देन क्यू है देन दिस इज़ीरो तो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं नेक्स्ट आपके पास फिर से आता है कि इफ फिर से इम्पॉर्टेंट आ गया आपके पास कि अगर आपके पास ए कोई भी फाइनाइट सेट है विद पी एलिमेंट्स नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू ए आर पी फैक्टोरियल वन टू वन फंक्शन भी पी फैक्टोरियल थे ऑन टू फंक्शन भी फ्रॉम ए टू ए आर पी फैक्टोरियल नेक्स्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है जिसमें फंक्शन वन टू वन भी होगा और ऑन टू भी होगा अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो वो कैसा होगा बाइजेक्टिव फंक्शन अब इसके रिमार्क्स की बात करें तो एफ फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव ये बाइजेक्टिव कब होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी होंगे अब अगर हमें नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस निकालने हैं तो उसकी कंडीशन क्या है कि अगर पी और क्यू इक्वल हैं तो पी फैक्टोरियल होगा और अगर पी नॉट इक्वल टू क्यू है तो क्या होगा जीरो दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा जा सकता है आपसे और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास इम्पॉर्टेंट आता है कि अगर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए पूछा है तो दैट इज़ पी फैक्टोरियल तो देखो पी फैक्टोरियल कहाँ कहाँ आ रहा है सबसे पहले नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू ए नंबर ऑफ़ वन टू वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू ए एंड नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इन सब में आपके पास क्या आ रहे हैं पी फैक्टोरियल राइट नेक्स्ट आता है इनवर्स ऑफ फंक्शन इन्वर्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है आपके पास अगर ए और बी कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट्स हैं लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी बाइजेक्टिव फंक्शन और कोई जी एक फंक्शन ले लो दैट इज फ्रॉम बी टू ए तो ये बी टू ए क्या हो जाएगा इनवर्स उसका बी आ फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू बी टू इट्स प्री इमेज एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स अगर एफ एक्स वाई के इक्वल है तो एक्स जी ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा तो जी इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन राइट इट इज डिनोटेड बाई एफ़ इनवर्स तो जी को हम क्या बोलेंगे एफ इनवर्स राइट तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन राइट तो इसके रिमार्क्स में अगर हम बात करें तो इसमें वो आपको क्या कहता है कि एफ़ एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ बाइजेक्टिव राइट देन एफ इनवर्स ऑफ बी टू ए इज़ ऑल्सो बाइजेक्टिव कि अगर एफ बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा नेक्स्ट आता है कंपोज़िट फंक्शन कंपोजिट फंक्शन में आपके पास क्या है जिसमें वो क्या कहता है कि अगर हम किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर दो बार फंक्शन अप्लाई करें अब तक हम क्या करते थे कि एक एक्स लिया उसके ऊपर हमने एक फंक्शन अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स जिसे हम क्या कह देते थे वाई तो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट बन जाते थे अब कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है कि दैट टू फंक्शंस इज अ चेन प्रोसेस इन विच आउटपुट ऑफ फर्स्ट फंक्शन बिकम्स द इनपुट ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स वी हैव टू से अगर एक्स के ऊपर हमने एफ अप्लाई किया तो क्या बना एफ ऑफ एक्स अब ये इनपुट बन जाएगा क्योंकि इसके ऊपर अब हम एक फंक्शन दूसरा अप्लाई करने जा रहे हैं कौन सा जी तो ये क्या बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स पहले इनपुट क्या था एक्स अब इनपुट क्या हो गया एफ ऑफ एक्स तो चेन बन गई कि एक फंक्शन के ऊपर हमने दो फंक्शन अप्लाई किए एक एलिमेंट के ऊपर तो इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन तो ये बना जी ऑफ एफ एक्स जिसे हम क्या कहते हैं गॉफ दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले एक्स के ऊपर एफ अप्लाई किया फिर एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमने जी अप्लाई किया राइट right? तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन अब इसमें हमारे पास कंडीशन जो रिमार्क्स हैं वो क्या आते हैं द कंपोजिट शन गॉफ एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी राइट कंपोजिशन फॉग एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन क्योंकि ये गॉफ था ये फॉग है इट मे बी पॉसिबल दैट गॉफ एग्जिस्ट बट फॉग डज नॉट एग्जिस्ट बिल्कुल हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि फॉग और गॉफ दोनों एग्जिस्ट हों एक एग्जिस्ट होगा तो दूसरा ज़रूरी नहीं कि एग्जिस्ट हो एंड इट इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी दैट बोथ आर इक्वल जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल आए अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स क्या हैं कि अगर आपके पास एफ जी और एच तीन फंक्शंस हैं तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं एफ प्लस जी ओ एच इट कैन बी रिटर्न है सेपरेट कर दिया एफ ओ एच प्लस जी ओ एच तो एफ ओ एच मीन्स वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स तो इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में एफ ओ एच और जी ऑफ एच तो एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स तो इस तरह से भी हम उसे लिख सकते हैं और एफ ओ एच और जी ओ एच की तरह भी हम उसे लिख सकते हैं नेक्स्ट आता है इफ़ एफ फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन एफ

मीन्स अगर एक फंक्शन का दो बार इन्वर्स निकालोगे तो वापस हमें एफ मिलेगा फिफ्थ आता है इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर वन टू वन देन गॉफ फ्रॉम ए टू सी इज़ ऑल्सो वन टू वन अगर एफ और जी दो वन टू वन फंक्शंस हैं तो जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी इज़ ऑल्सो वन टू वन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू कि अगर गॉफ वन टू वन है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एफ़ और जी भी वन टू वन हो इसी तरह से हम ऑन टू में कहते हैं कि अगर एफ़ आपके पास एफ़ और जी ऑन टू फंक्शन्स हैं तो गॉफ भी ऑन टू होगा बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू कि अगर गॉफ ऑन टू है तो एफ़ और जी मे नॉट बी ऑन टू एंड द लास्ट रिजल्ट इज़ कि अगर एफ और जी आपके पास दो फंक्शन्स बाइजेक्टिव हैं तो गॉफ इज़ ऑल्सो बाइजेक्टिव और अगर वो बाइजेक्टिव है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो गॉफ होल इन्वर्स कैन बी रिटन एज एफ इनवर्स ओ जी इन्वर्स तो अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम बाइजेक्टिव शो कर सकते हैं बाइजेक्टिव है तो हम फंक्शन को बता सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल है तो ये थे आपके पास फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट थ्री एक्सरसाइज के कंप्लीट नोट्स जिसमें आपके बहुत सारे एम सी क्यूज वन मार्क क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं एंड दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स राइट थैंक यू